Hi friends, welcome to play with tech. First I want to say sorry because our videos are skipped for 2 months because some medical problems I shave my hair, so it's take around 2 months to grow this like hair. So without any further time wasting, let's start our video. तो जो टॉपिक है आज का वो कलर ग्रेडिंग. अब कलर ग्रेडिंग क्या होता है, लाइक कोई भी फोटो या वीडियो का जो कलर होता है उसको करेक्ट करना, ये होगा कलर ग्रेडिंग. अब काफी लोगों को पता था कैसे करते हैं, लाइक एडिटर टूल से, लाइक स्नैपचैट हो गया, लाइट रूम हो गया. उसमें अब उसमें आप देखेंगे कुछ टूल्स आते हैं लाइक एक्सपोजर, हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट. आज हम उसी पे बात करेंगे वो गर्व कैसे करता है यहाँ पे. तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोजर से. अब एक्सपोजर और ब्राइटनेस आपने दो टूल देखा होगा यहाँ पे, दोनों वर्क तो सेम करता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, कुछ मेजर यहाँ पे डिफरेंस नहीं है. तो वर्क कैसे करता है वो, लाइक आप ये देखिए कलर यहाँ पे इंटेंसिटी, लाइक ये मेरा रेड कलर हाथ यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, लाइक ये टेंस करता है ब्लैक की तरफ और ये टेंस करता है व्हाइट की तरफ. यहाँ पे जो कलर रेड यहाँ से ले जाएगा ब्लैक की तरफ, यहाँ जाएगा व्हाइट की तरफ में. तो जो भी ब्राइटनेस जब हम बढ़ाते हैं तो क्या करता है वो इस तरफ जाता है लेके कलर्स को, मीन्स ब्राइटनेस कलर का जो होता है ग्लोइंगनेस वो बढ़ाता जाता है यहाँ पे व्हाइट के तरफ में टूवर्ड्स करता है. और जब हम ब्राइटनेस स्लो करते हैं तो वो ब्लैक की तरफ पिक्सल उसको ले जाता है. तो इस तरीके से ओवरऑल जो फोटो में पिक्सल्स होता है वो उसको ब्राइट करता है अगर हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं यहाँ पिक्सल्स को तो, और जो अगर कम करते हैं तो पिक्सल्स को डार्क करता है यहाँ पे. तो सबका जो जितने पिक्सल्स है टोटल हमारे जो एग्जिस्ट करते हैं फोटो में, वो सबका कुछ ना कुछ कलर मीन्स कोड होता है. तो कलर कोड को ही मीन्स वहाँ पे वो मैनिपुलेट करता रहता है वहाँ पे, लाइक कलर को कम करता ज़्यादा करता है. बेसिकली आज मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ, जो इसका जो प्रैक्टिकल होगा पार्ट टू में देखेंगे हम लोग फोटोशॉप में यहाँ. तो चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट के बारे में. अब कॉन्ट्रास्ट का वर्क यहाँ पे ये है, पिक्सल जो डार्क है उसको और डार्क करना और जो व्हाइट है उसको और व्हाइट करना. इससे होता है क्या, लाइक जो बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, इसे लगता है मीन्स फोटो पॉप होकर आ रहा है ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल यहाँ पे देखे तो हमारे पास एक यहाँ पे एक ग्रे पिक्सल है जो हल्का डार्क है और ये हल्का लाइट है. अब जब भी हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो जो ग्रे पिक्सल है डार्क वो और डार्क हो जाएगा और जो व्हाइट है हल्का और व्हाइट हो जाएगा. वो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वर्क करता है. अब बात करते हैं हाईलाइट के बारे में. तो जो हाईलाइट का वर्क है वो ये है कि जो भी पिक्सल ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पे पूरे फोटो में वो उसी को सिर्फ और ब्राइट करता है यहाँ पे. लाइक अगर बात करें यहाँ पे कुछ नेचर के बारे में तो स्काई हो गया. अब जब भी उस फोटो में आप बढ़ाएंगे यहाँ पे हाईलाइट्स तो सिर्फ स्काई को ब्राइट करेगा और कुछ भी अगर फोटो में ब्राइट एरिया होगा तो उसको ब्राइट करेगा यहाँ पे. अब देखेंगे जब भी आप अपना फोटो एडिट करते होंगे तो जब भी आप हाइलाइट बढ़ाते हैं तो आपका फेस का लाइट और ब्राइट हो जाता है वहाँ पे, और जो स्काई अगर बैकग्राउंड होगा तो और भी व्हाइट होने लगता है वहाँ पे. तो जो भी पिक्सल जो ब्राइट से ऑलरेडी फोटो में उसको और ब्राइट करता है, ये हाइलाइट का काम है यहाँ पे. अब बात करते हैं शेडो के बारे में. तो शेडो का वर्क जस्ट हाइलाइट का उल्टा है. जो भी डार्क पिक्सल है लाइक ब्लैक हो गया तो उसको और ब्लैक करेगा या डार्क है तो उसको और डार्क करेगा यहाँ पे. एग्जाम्पल देखें यहाँ पे तो आप जब भी एडिट करते हैं अपना फोटो, जब भी आप शेडो यहाँ पे कम करते हैं तो जो डार्क एरिया है वो और डार्क हो जाता है, और जो शेडो बढ़ाते हैं तो डार्क एरिया और मीन्स ट्राई करता है कि वो ब्राइट होने का. ह्यूमर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे तो आप जब भी जब शेडो आप कम करते हैं तो आपका हेयर और डार्क हो जाता है, और जब भी अगर आप शेडो को बढ़ाते हैं मीन्स ज़्यादा उधर व्हाइट की तरफ जाते हैं तो आपका हेयर थोड़ा व्हाइट होने लगता है यहाँ पे. जो भी डार्क एरिया है वो और मीन्स थोड़ा ग्लो होने का ट्राई करता है यहाँ पे. तो इस तरीके से वर्क करता है शेडो. अब अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो शेडो और हाईलाइट दोनों का कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है. कॉन्ट्रास्ट एक्चुअल में दोनों साथ में काम करता है, वो डार्क को और डार्क करता है और ब्राइट को और ब्राइट करता है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट. अब आता है फिफ्थ टूल जो कि सबसे मीन्स फेवरेट टूल है सब लोगों का, इट्स कॉल्ड सैचुरेशन. सैचुरेशन का काम क्या है यहाँ पे, जो कलर इंटेंसिटी उसको और हाई करना है यहाँ पे. एग्जांपल देखे तो हमारा पिक्सल रेड यहाँ पे ये है और जो इंटेंसिटी इसका एक ग्रे से लेके हमारा एकदम प्योर रेड जो सब डार्क रेड होता है वहाँ तक का है. तो अगर आपका पिक्सल फोटो में ये इस रेड कलर का है तो आप जब भी बढ़ाएंगे सैचुरेशन तो वो डार्क के सबसे मीन्स जो अच्छा कलर है रेड वहाँ पे लेके जाएगा ये सैचुरेशन. अगर कम करेंगे तो ग्रे की तरफ चला जाएगा, देखेंगे वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है जब आप सैचुरेशन पूरा लो कर देते हैं. अब एक और टूल आता है वाइब्रेंस जो कि सैचुरेशन का भाई गैलीज है, मीन्स कुछ भी गैलीज, जो वो काम किसे करता है, लाइक जो भी फोटो में म्यूटेड कलर है वो उसी पर फोकस करता है और उसी की इंटेंसिटी को हाई करता है यहाँ पे. लाइक जैसे कि आपका जो पिक्सल रेड यहाँ पे प्योर रेड है या फिर थोड़ा मीन्स उसके रिलेटेड है प्योर रेड के, और एक जो टोटली मीन्स म्यूट रेड है यहाँ पे तो वो उसी को सिर्फ हाई करेगा इंटेंसिटी जब आप बढ़ाएंगे वाइब्रेंस को यहाँ पे. तो इस तरीके से सैचुरेशन वाइब्रेंस यहाँ पे वर्क करता है. आज हमने सिर्फ बात किया यहाँ पे थियरी, अब प्रैक्टिकल हम देखेंगे पार्ट टू में इसका, वो भी फोटोशॉप में. तो अगर आपको ये पसंद आया मीन्स ये टॉपिक तो आप लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आए नए नए चैनल में. तो बाय बाय.